हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? और आज की व्लॉग की शुरुआत हुई है हमारी छोटू के साथ। जी हाँ, ये है हमारा हुरू। तो बहुत सारे लोग के कमेंट्स ये होते हैं कि हुरू को व्लॉग में ज़रूर लिया करिए, हुरू अच्छी लगती है, लेकिन ये लड़की बहुत ज़्यादा गंदी है, ये कुछ भी मुँह में ले लेती है। देखो देखो, तो बच्चे तो ऐसे ही करते रहेंगे गाइज। और आज की वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारे बेबी का फेस। जी हाँ, आज आप लोग जो है सारे लोग ही हमारे बेबी को देख लोगे, छोटे बेबी को। तो आज की वीडियो में हम उसका फेस रिवील करने वाले हैं। तो बहुत सारी दुआएं देना, माशाल्लाह ज़रूर बोलना, और बहुत मतलब तो बहुत सारी दुआएँ देना, माशाल्लाह ज़रूर से बोलना, और बस अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे, माँ बाप का नाम रोशन करे, और आमीन ज़रूर बोल देना, ठीक है? चलो फिर, और आज ही के ब्लॉग में आप लोगों को जो है ना दो दो ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो बेबी फेस रिवील का, एंड सेकंड हम लोग अपनी जेठानी के घर गए हुए थे संडे मनाने के लिए, और वहाँ से ही हमारा कहीं घूमने जाने का प्लान भी है। तो व्लॉग में बने रहिए, व्लॉग फुल वॉच कीजिए, और जो भी पार्ट अच्छा लगे वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़। व्हाट लोला, व्हाट लोला, व्हाट लोला, एक गंदा बच्चा। बस यहाँ पर अभी हमारा बेबी जो है ना 1 मंथ का कंप्लीट हो चुका है, तो उसका ही हम थोड़ा सा सेलिब्रेशन करने वाले हैं। और बस यहाँ पर अभी हम जंगल थीम हमने रखा था छोटा सा, तो ऐसे ही हमने जंगल थीम का ही केक लाया हुआ था उसके लिए। थोड़ा सा ही खिला रही, लो खा लो, ले दूंगा लो। तुम नहीं खाओगी? नहीं चीजें बैलून 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 पापा बैलून बैलून आप सुन रहे हैं? तो नींद आ रही है, नींद आ रही है, खिला दो खिलाओ, केक कराने की सोच नहीं है। मौसम देखना लगी है ये ना, क्रीम चटा दो, क्रीम थोड़ी सी प्लास्टिक के वो हां चढ़ा दो, लाइन खा लिया। ओ अरुण ने खा लिया, खा लिया, नहीं 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 खा लिया। बस एक बहुत ही टेस्टी है,
सो गाइज अभी हम आ गए अपने कंफर्ट जोन में और अभी रात का टाइम हो रहा है, रात के बज रहे हैं 2। ये देखो कौन आया है। मैं बोल रही हूँ, मैं कोई नहीं ले रहा बेटा तुमसे, बोल रही है नो माय। तो बस अभी रात के बज रहे हैं 2 और हम लोग अभी तक जाग रहे हैं, बाकी सब लोग चले गए अपने अपने रूम में सोने के लिए और घर में ही थे तो ज़्यादा कुछ हम लोगों ने किया नहीं, बस वही इसका छोटा मोटा सा सेलिब्रेशन कर लिया। और तो बस जो है घर में थे तो थोड़ा सा लेट भी हो गए क्योंकि खाना वाना खाने के बाद में ही हमने स्टार्ट किया था डेकोरेशन वगैरह करना, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग ही जाता डेकोरेशन में। और बहुत सी चीज़ें थी जो हमने की थी घर में ही अपने हाथों से, तो टाइम लग ही जाता है। खैर तो बस अभी 2 बज रहे हैं और हुरन की तो अभी मस्ती चल रही है, ये तो सोने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये थोड़ी देर पहले सो के उठी हैं। अब पता नहीं इनका कब सोना होगा और कब हमको सोने को मिलेगा। तो बस अभी तो फिलहाल इनका यही चल रहा है। अब मेरी आँख में ना आए, मुझे एक कीड़े ने कट कर लिया था, मतलब जैसे मैं वहाँ से आ रही थी ना तो एकदम से मेरी आँख में एक कीड़ा चला गया बारीक सा और उसने पता नहीं बहुत तेजी से ऐसा कट कर लिया है, तो उसकी वजह से ये पूरा सूज रहा है। और एन क्या कर रही हो? हाँ बोलो। बॉल चाहिए कि बैलून चाहिए, क्या चाहिए बताओ, बॉल या बैलून? तो बस अभी तो फिलहाल यही चल रहा है इनकी मस्ती, बॉल भी चाहिए। तो अभी इसकी जो है कुछ कुछ चीज़ें मुझे समझ में आने लग गई हैं, नो 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 नो, यस माय, नहीं मेरा, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं इसकी ऐसी, तो अभी ये समझने लगी हूँ मैं इसके बाद। और हमारा बेबी कैसा लगा है आप लोगों को वो भी हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत टाइम के बाद मतलब हम लोग सोच रहे थे कि अब दिखाएंगे अब दिखाएंगे, तो फाइनली आज उसका फेस भी हमने रिवील कर दिया। और वो बीच बीच में जो है बच्चे थोड़ा सा परेशान करते हैं, खैर कोई नहीं, उसमें भी टाइम हमारा जो है ज़्यादा ही लग गया क्योंकि पहले वो सो गया था, फिर बीच में वो उठ गया, फिर भाभी ने उसको फीड वीड कराया, फिर उसको लेकर के आए रेडी करा करके, वो फिर से सो गया और फिर से उठ गया, मतलब उसका रोना कंटिन्यूसली था और सोना बीच बीच में, भूख भी लग रही थी उसको बीच बीच में। तो बहुत सारी चीज़ें होती है बच्चों के साथ में, बच्चों के साथ में वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, आप लोगों ने देखा होगा। हुरैन भी पहले जब छोटी थी तो मतलब मेरे वीडियो जो कंटिन्यू नहीं आ पाते थे क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, कभी रोना कभी हंसना, कभी इनका यही चलता रहता था, कभी सुसु कभी पोटी, तो वीडियो जो है नहीं बना पाते हैं बच्चों के साथ में। और बस चलिए तो फिर इनकी तो मस्ती यूं ही चलती रहेगी, हम भी सो जाते हैं, सर दर्द हो रहा है और इस आँख की वजह से सर दर्द भी हो रहा है, मुझे सर दर्द होने लगा है, तो चलिए दवा वगैरह लेंगे, सोएंगे, आराम करेंगे, सुबह फिर से मिलेंगे आप लोगों से नए ब्लॉग के साथ में। सो गाइज अभी सुबह हो चुकी है और ये हो रहा है दोपहर का टाइम और हम लोग जा रहे हैं अपने जेठानी के घर, भैया हमें लेने के लिए आ गए थे क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हो रही थी ना कि हम लोग जाने का सोच रहे थे लेकिन निकल ही नहीं पाए उस टाइम पे, फिर बारिश भी बहुत तेज़ होने लगी, तो फिर भैया ने बोला मैं लेने के लिए आ रहा हूँ। तो आज पूरा दिन हम वहीं बिताएंगे, घूमने जाएंगे, बातें करेंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो व्लॉग में बने रहिए, आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोग क्या क्या करने वाले, कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। तो बस यहाँ पर अभी फ़िलहाल चलते हैं घर। यूनिकॉर्न वाला देख रही है वो, यूनिकॉर्न ना देख रही है वो, ये देख रही है अप्पी का है ना उरु, देखो कितनी जगह पानी भर गया, खेतों में पानी भर गया, खेतों में पानी भर गया पूरा, अब बहुत तेज पानी है, होगा पानी तो है ना, यहाँ पे अभी से थोड़ा सा ही भर गया, उसमें पानी भर गया।
पूरे खेत भरे रखे वो लग रहा है वो तालाब लग रहा है पूरा। हाँ बहुत तेज पानी है, अगर ऐसे ही बरसता रहा तो भाग जाएगा। अभी हम आ गए हैं अपने जेठानी के घर और आज हम संडे मनाने के लिए आए हैं, तो आज फुल डे स्पेंड करेंगे यहाँ पर ही। और सोरेन भी आई है, जैकी भाई भी आए हैं, तो प्लानिंग थी कहीं घूमने जाने की, तो देखते हैं अगर पानी वानी रुकता है तो जाएंगे। और यहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, खेतों में पानी भर गया है, खेतों में पानी भरा हुआ है। जैकी भाई इसलिए आए कि अगर घूमने जाएंगे, वैसे इनका प्लान था तिगरा जाने का, तो देखते हैं अभी। अब हल्की बारिश कम तो हुई है वैसे ना, पहले बहुत तेज आ रही थी और खेत तो एकदम भर गए थे। दिखाती हूँ बैक कैमरा करके, ये देखो गाइस यहाँ पे ये पूरे खेतों में पानी भरा हुआ है, ये और वो खेत तो पूरे ही भर गए हैं पानी से। कौन से चार खम्भे ये रॉकेट जा रहे हो क्या? रॉकेट लॉन्च होता हो यहाँ श्री हरिकोटा से। व्यू देखो व्यू, धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है दूर दूर तक। सो गाइस तभी हमने खाना खा लिया है, बढ़िया सा टेस्टी सा मटन सालन, जरदा रोटी, और बस अभी पेट एकदम हो गया है फुल, और बस खा पी के अभी जस्ट बैठे ही हैं। और यहाँ देखो मोरन सोने के लिए रो रही थी, तो इसको मैंने सुला दिया है, यहाँ पर साथ में सो रही है। इनाया बोल रही है मेरे ऊपर हाथ क्यों नहीं रख रही है, मेरे ऊपर हाथ रखी है, देखो बैक कैमरा करके दिखाती हूँ आप। तो यहाँ पे देखो, हाँ होरन टकला हो गई, तो यहाँ पे होरन रो रो के सो गई हैं। तो इन्नू अब भी कह रही है ये मेरे ऊपर हाथ रख के नहीं सो रही है। वो वैसे भी नहीं सोती है, वो अलग अलग सोती है हमसे, वैसे भी पूरे बेड पर घूमती है। क्या नहीं, वो पूरे बेड पे घूमती है, एक साइड नहीं सोती, वो पूरे बेड पे घूम घूम के सोती है। नहीं नहीं तुम नहीं फोड़ना बेटा, देखो इन्नू के फुंसी हो गई बहुत बड़ी, एकदम पक्की, अपने आप फूटेगी तब सही हो जाएगी फिर वो, ठीक है। फिर तुमने दवा खाई थी इसके लिए? जाओ कपड़े पहन लिया, आप पे आ गई, जाओ घुमा करने चल रहे हैं अपन, जाओ जल्दी जाओ, हाँ स्विमिंग पूल में चल रहे हैं, जाओ कपड़े पहन के। हाँ और इनको भी कपड़े पहनाएंगे दूसरे। बेटू ने तो कपड़े पहन लिए हैं, बेटू कपड़े भी रखे हैं तुमने स्विमिंग पूल के लिए, कपड़े रखे हैं? कहाँ जा रहे हैं अपन? डैम। तो गाइस यहाँ पर सभी लोग रेडी वेडी हो गए हैं, उसके बाद अभी हम लोग यहाँ से निकल गए हैं। काजी बस सही है यहाँ पर मुरैना से थोड़ी ही दूर पे, वहाँ पे एक डैम है, तो वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। वैसे जो है ना बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, तो वैसे सोच रहे थे कि तिगरा डैम जाएंगे, लेकिन लेट ही हो गए, तो फिर हमने सोचा कि चलो यहीं मुरैना में ही कहीं घूमने के लिए चलते हैं।
तो बस बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी बिल्कुल भी, उसका भी हम लोग वेट ही कर रहे थे लेकिन वो नहीं रुक रही थी, लेकिन लास्ट टाइम पे जो है अभी रुक गई है, तो अभी टाइम ज़्यादा हो गया तो कल यहीं जा रहे हैं। तो बस अभी हम लोग यहाँ पर रुके हैं पेट्रोल फिल कराने के लिए। तो हो रू है वहाँ पे तो बस अभी पेट्रोल ले लिया है और अब चलते हैं सीधा डैम, तो फिर सीधा वहाँ पहुँच कर आप लोगों से मिलते हैं। सो गाइस यहाँ पर अभी हम लोग काजीवसे के डैम यानी कि कोतवाल डैम पहुँच गए हैं और यहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और हम लोग जो है ना सनसेट के टाइम पे पहुँचे तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ पे। तो बस अभी उतर गए हैं तो मैंने सोचा कि चलो होरेन को सैंडल वैंडल पहना देते हैं क्योंकि हमने उसको सैंडल्स नहीं पहनाए थे, वो यहाँ पर खेलेगी कूदेगी तो उसको अच्छा लगेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये मुझे लगता है कितने हैं ये। सो गाइस हम लोग आ गए हैं ये देख पुरान घूमो ना ऐसे ही गोदी गोदी में रहोगी क्या। तो पाइप तोड़ दी कोई नहीं, व्यू तो बहुत मस्त है। रेलिंग ऐसे हो गई सड़ गई है एक और बना देते हैं बस फिर उसके बाद कोई नहीं देखता चीज है, अगर कोई भी चीज बनवाओगे उसमें डेंडिंग पेंडिंग करते रहो तो सही चलती रहती है। ओह इसमें गाना कौन सा लगेगा ये देखो इनका इनका रील्स बन रही है रीटेक रीटेक लेकिन बाद में ये टूट चुकी है वो लोहा गया कितने में होगा ये बताओ पहले रेलिंग कपल कपल्स के लिए बनाया है वो स्पेशली, यहाँ पे दोनों कपल्स बैठेंगे और क्या कहते हो आ रहे जिसको जरूरत है हाथ से निकाल के फिर गिरे लगा सकता है। ये सारी की बंदी हुई है, कोई नंगे पैर आए थे ना, उतरा आया नीचे इस पे उतरा है इस पे इसमें बोतल नहीं लगते किशन तो बताओ इन्हें इधर आ जाओ नहीं मत खींच मत कब खींच रहा है झूठ पी लो अब बोली नहीं है खाए 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 खाए
क्या खाया? ची ची खाए, चिप्स ले आओ, चिप्स खा लो। पूरी डंडा भी लगा पकड़ने के लिए। खाया? खा लिया? क्या खा लिया? क्या खाया था? तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं काजी बसई के डैम और यहाँ पर इनकी चल रही है मस्ती। इस डैम को बोलते क्या है? कोतवाल, कोतवाल डैम। ये मैं पहली बार आई हूँ, मैं कभी नहीं आई। हालांकि ये मुरैना से थोड़ी दूर पे ही है लेकिन मैं कभी नहीं आई यहाँ पे। हाँ, सनसेट के टाइम पे हम लोग आए, इतना प्यारा व्यू हो रहा है ना यहाँ पे, बहुत ही मस्त अच्छा लग रहा है। और ये देखो ये यहाँ पे खड़े हुए हैं दोनों की दोनों। हाँ, आलिया की बन रही है रील, उधर फोटो क्लिक किए जा रहे हैं और ये हमारे थोड़ा सा इनको खेलना है। बेटू भागो नहीं, इन्नू भागो नहीं। अब इनकी मस्ती चल रही है। गाड़ी में ऐसी हो गई थी थोड़ी। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? जैकी भाई तो पहले भी आ चुके हैं। एक बार आ चुके हो? अच्छा, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। इतने साल हो गए मुझे मुरैना में रहते हुए लेकिन अब मैं आ रही हूँ पहली बार। इन्नु तो रहा हूँ। तो क्यों गोल गोल घूम रही हो? इनकी चल रही मस्ती है। अब रूह मस्त हो गई। गोल गोल घूमो, अब गोल गोल घूमो। ये देखो बच्चों के साथ बच्चे बन गए हैं। हाँ आ गया। ओ गुस्सा हो गया। ओ भाई साहब, आर्यन के पास चली गई। ओ कोई तो नहीं समझ गया भाई। आओ बहुत अच्छा लगा। आप हमारी गोदी में आए। अरे अपने मामू की। अरे मामू बड़ी हो जाऊंगी तो आया करूंगी। बनना है मस्त ऐसा ऐसा डालती है। जी कौन चढ़ रहा है? ये कौन चल रहा है? सो गाइस ये था आज का हमारा वीडियो। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा की है मस्ती और सब बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे अकेले अकेले जाना कहीं अच्छा नहीं लगता है, बच्चों के साथ में भी बहुत अच्छा लगता है। सो गाइस आप लोगों को कैसा लगा? हम लोग घूमने के लिए गए, आप लोगों को नई जगह दिखाई है ना, तो वो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।